हेलो चुटकी, क्या कर रही हो? हेलो गप्पी, आज हमारे घर पर मेरी बुआ आने वाली है और साथ में उनका छोटा सा बेटा भी। अरे वाह, उसके साथ खेलने में भी बहुत मजा आएगा। बच्चों, ये देखो कौन आया है। आहा, ये छोटा कितना प्यारा है। गप्पी, तुम भी बिल्कुल ऐसे ही लगते थे जब छोटे थे। हैप्पी चाचा, हमें भी मुन्ना के साथ खेलना है। ठीक है बच्चों, पर याद रहे कि खेलते वक्त तुम्हें या मुन्ना को कहीं चोट न लगे। अरे वाह, देखो मुन्ना सोफे पे चढ़ गया। सोफे से कूदना तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी। एक, दो। रुको चुटकी और गप्पी, सोफे या किसी भी ऊंची जगह से कूदना खतरनाक हो सकता है। ठीक है पापा, हम समझ गए। हाँ चाचा, अब हम सोफे पर नहीं कूदेंगे। ये लो बच्चों, तुम इन खिलौनों से खेलो। इन खिलौनों से तुम्हें और मुन्ना को भी चोट नहीं लगेगी। अरे कहाँ चले मुन्ना, वहाँ नहीं जाना है। पापा, मुझे वह सिलाई मशीन के पास नहीं जाने देते तो मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? हम सिलाई मशीन के पास क्यों नहीं जा सकते हैप्पी चाचा? मैं तुम्हें सिलाई मशीन के पास इसलिए नहीं जाने देता क्योंकि वहाँ नुकीले चीजें जैसे सुई और कैंची होती है जिनसे आप लोगों को चोट लग सकती है। वैसे तो मैं इन चीजों को अलमारी में रखता हूँ ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुँचे, मगर फिर भी सिलाई मशीन से दूर रहना बेहतर है। ओह, अब समझी। बच्चों, क्या तुम घर में कोई और खतरा पहचान सकते हो? हाँ, मुझे पता है, बिजली की चीजें। बिल्कुल सही, हमें बिजली की चीजों से भी दूर रहना चाहिए और यदि आपको स्विच ऑन या ऑफ करना है तो हमेशा अपने बड़ों की मदद लेनी चाहिए। हम समझ गए पापा। हाँ चाचा, मैं भी। लगता है मुन्ना को भूख लग गई। पापा, क्या मैं मुन्ना के लिए रसोई से दूध ले आऊँ? चुटकी, रसोई में अकेले जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रसोई में कैसा खतरा है चाचा? बच्चों के लिए रसोई में कई तरह के खतरे हो सकते हैं, जैसे गर्म चीजें या फिर आग या चाकू। ओह, अच्छा पापा। ये लो बच्चों, मुन्ने का दूध जाओ उसे दे आओ। मैं दरवाजा खोलती हूँ, बुआ ही आई होंगी मुन्ना को लेने। नहीं नहीं, दरवाजा तो मैं ही खोलूंगा। तुम दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है दरवाजा खोलने। हाँ, स्कूल में हमारी टीचर ने हमें ये बताया था। हाँ पापा, उन्होंने ये भी बताया था कि हमें घर का दरवाजा किसी बड़े की निगरानी में ही खोलना चाहिए। पापा तो सही कह रहे थे, ये तो पोस्टमैन अंकल है। मैं भी ध्यान रखूंगा कि दरवाजा किसी बड़े के निगरानी में ही खोलूं। नमस्ते बच्चों। ये देखो पापा, बुआ आ गई। हाँ, और अब मुन्ना के घर जाने का भी समय हो गया है। बाय मुन्ना। आज मुन्ना के घर आने से हमने कितना कुछ जाना। हाँ, आज हमने घर में बच्चों के लिए खतरों को पहचाना, जैसे बिजली की और नुकीली चीजों से दूर रहना। हाँ, और किचन में किसी बड़े की मदद से काम करना और अनजान लोगों के लिए घर का दरवाजा ना खोलना। बहुत खूब बच्चों। दोस्तों, हमारी तरह अब आप भी अपने घर के खतरों को पहचाने और उनके बारे में अपने परिवार के साथ चर्चा करें। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।